इलेक्शन का जो रिजल्ट है, देश ने अपना मैंडेट सामने रखा जैसे आप जानते हैं, और अब क्योंकि एक नई सरकार देश के अंदर बनने वाली है, और इस नई सरकार में नई उम्मीदें और नई जो एक एक जो उसको बोलते हैं एक बड़ा कयास लगा के जो जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हैं, मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों से नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल मुबारक, तीसरी दफ़ा तीसरी टर्न के लिए एनडीए को मुबारक हो, उन लोगों को भी देश के लोगों को मुबारक है जिन लोगों ने एनडीए के ऊपर भरोसा करके मोदी जी के इस लीडरशिप पे भरोसा किया और मैंडेट दिया। लेकिन आप क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के रहने वाले की हैसियत से हम लोग भी कल दिल्ली में थे, और हम लोगों ने ये अपने जो हमारी लीडरशिप है उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखी, जिसमें खास करके एक काफ़ी अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो है स्टेटहुड, और जिसमें मेरे प्रेसिडेंट ने मेरे लीडरशिप ने मेरे को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस की जाएगी, लीडरशिप के सामने डिस्कस किया जाएगा, और जल्द अज जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन हमारी हमने जो कहा कि बिफोर इलेक्शंस कि आपको स्टेटहुड मिले, ताकि चीफ मिनिस्टर एक वजनदार चीफ मिनिस्टर बने आपका, और वो कोई भी फैसला ले सके जम्मू कश्मीर के अंदर। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी वक्त हुआ, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि एक इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका स्टेटहुड जो है बिफोर असेंबली इलेक्शन जल्द अज जल्द आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। आप क्योंकि जानते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में हमारी कोशिश ये भी है कि जो बेगुनाह लोग जो जेलों में बंद पड़े हैं उनके लिए डिस्कस किया जाए एनडीए गवर्नमेंट में, और कोशिश की जाए कि जो बेगुनाह उधर है जिसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता उनको छोड़ा जाए, और अगर कि काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गलतियां की, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी यही चाहेगी एज ए जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते कि उनको माफ़ी दी जाए और उनको कौमी दायरे में जो है काम करने का एक मौका दिया जाए। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि जम्मू रजौरी कठुआ और कश्मीर कि जितना कुछ हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है उतना करने के लिए हम लोग वादाबंद है, और हमें पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे कहीं पर भी हमें कमज़ोर नहीं होने देंगे, हमारे जो वादे पब्लिक से है वो कहीं पर हमें कम हिम्मत नहीं होने देंगे। जैसे कि हमारा अभी आपने सुना होगा मोदी जी की भी जो स्पीच थी, जो भी कुछ बेहतर हम लोग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों देश के लिए लोगों के लिए आवाम के लिए हिंदुस्तान के लिए, वो हमारी पार्टी करने के लिए तैयार है।